हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ एक दूसरी मोटिवेशनल स्टोरी जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है और उन सब के लिए है जो किसी के दूसरे के कहने पर अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं और अपना फ्यूचर बदल लेते हैं ये देखकर कि दूसरा अगर आपकी कैपेसिटी को समझ करके आपको मना कर देता है कि आप ये नहीं कर सकते हो और आप उसकी बात को अपने दिल से लगा लेते हो, सोचते हो कि शायद वो सही कह रहा हो, है ना। आप अपने आप को जज नहीं कर पाते हो, अपने आप को नहीं कैपेबल समझते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसी बात पे ये एक स्टोरी है कि क्या आपको क्या करना चाहिए इस समय अगर आपको कोई दूसरा कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हो लेकिन आप वो करना चाहते हो और आप दूसरे के कहने पर आप उसको क्विट कर देते हो। तो इसी टॉपिक पर एक आपकी मोटिवेशनल स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा, आपको ज़रूर इससे मोटिवेशन मिलेगी और आप उस काम करना चाहोगे जो आप चाहते हो, ना कि दूसरा कोई उसको मना कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। एक गुरुकुल था जिसमें कि काफ़ी बच्चे पहले के समझते थे कि पहले के समय में विद्यालय नहीं होता था, गुरुकुल होता था, जहाँ बच्चे पढ़ने और ज्ञान लेने जाते थे। तो वहाँ पे गुरुकुल था और ऋषि थे और कई बच्चों को अध्ययन करा रहे थे, ज्ञान की बातें उसको समझा रहे थे। उनमें से एक बच्चा था जो उस बात को सुन नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, जैसे आप लोगों क्लासेस में कभी कभी टीचर्स पढ़ाती हैं और कभी नहीं सुनते हो तो टीचर क्या बोलता है कि आप नहीं पढ़ सकते हो, क्लास के बाहर चले जाओ या शांत रहो, कुछ भी बोलता है आपको शांत कराने के लिए या फिर आपको अटेंशन पुल करने के लिए, मोटिवेट भी करता होगा। इसी तरह यहाँ पर ऋषि ने क्या कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो उन्होंने कहा ऋषि ने कहा उस बच्चे से कि आप अपना हाथ दिखाओ। तो उसने अपना ऐसे गदेरी दिखाई, ठीक, अपनी हाथ की ऐसे हथेली दिखाई। तो उसने कहा कि ऐसा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। तो उस बच्चे ने कहा, छात्र ने कहा, क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी हथेली में शिक्षा की, विद्या की रेखा नहीं है, जो कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा, फिर दूसरे छात्र ने पूछा कि रेखा कैसी होती है जो मेरे हाथ में नहीं है? तो दूसरे छात्र का हाथ दिखाकर गुरु कहते हैं कुछ इस तरह की रेखा होती है। उसने फिर क्या किया, अपने पैंट से जो वस्त्र पहने हुए थे उसमें से एक छोटी सी चाकू निकाली, जो वह चाकू का रोज़ प्रयोग दातुन को काटने के लिए करता था। उस चाकू की धार से उसने अपने हाथ में, हाथ की हथेली में विद्या की रेखा को खींच डाला और हाथ पूरा लहू लुहान हो गया। यह देखकर गुरुजी बहुत ही विनम्र हो गए, बहुत ही भावपूर्ण हो गए कि एक बच्चा हाथ की गदेली में विद्या की रेखा बना रहा है क्योंकि उसको मैंने मना कर दिया कि हाथ की गदेली में तुम्हारे विद्या की रेखा नहीं है, इसलिए तुम नहीं पढ़ सकते हो। वह ये देख करके, गुरुजी देख करके उसको अपने चरणों में लगा लेते हैं और अपने पास बिठाते हैं कि अब तुमको पढ़ने से दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी इच्छा नहीं रोक सकती है। तो इस कहानी का मर्म क्या है? पहली बात तो वो जो छात्र था, जो बच्चा था, वो बड़ा होकर क्या बना आपको पता है? वो आपने नाम सुना होगा ऋषि पाणिनी, जिन्होंने संस्कृत के महाकाव्य अष्टाध्यायी सूत्र की रचना की, उसको लिखा। आज तक के 2700 वर्ष में किसी भी भाषा में ये दोबारा से नहीं लिखा जा सका, तो विश्व में उसका नाम हुआ। सोचिए, उसने सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से, ना कि दूसरे की इच्छा शक्ति के अनुसार काम किया। वो चाहता था, दूसरे गुरु की बात अगर सुन लेता तो शायद वो विद्यालय से चला जा सकता था, लेकिन वो चाहता था पढ़ना। उसने सिर्फ गुरु की बाणी उसको क्या कर गई, मोटिवेट कर गई कि मेरे विद्या की रेखा नहीं, सिर्फ वो भी हाथ में, इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता। और उसने गदेली में हाथ रखा, रेखा खींची और उसको गुरुजी ने मोटिवेट किया, वो आगे बढ़ गया। इस कहानी का मर्म क्या है? मर्म यही है कि अगर आपको कोई कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो तो आप उसकी बात को बिल्कुल भी मत सुनिए, क्योंकि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप क्या कर सकते हो, वो दूसरा नहीं जान सकता जितना कि आप अपने अंदर जान सकते हो।
और हो सकता है कभी कभी खुद को भी ये हमें ज्ञान नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी क्षमता होती है। तो अपनी क्षमता को जानने के लिए पहले आप उस काम की शुरुआत करिए। कभी किसी के कहने पर अपने रास्ते को मत बदलिए, रास्ता खुद चुनिए और रास्ता बनाइए। क्या उस रास्ते में कंकड़ है? ऑब्वियस सी बात है कि कंकड़ तो होंगे ही, क्योंकि ज़िंदगी में अगर परेशानियां ना हो तो सुख का अनुभूति होना नामुमकिन है। इसी तरह अगर मंजिल को पाने में रास्ते में कंकड़ ना मिले तो उस मंजिल को पाने में जो सुख है वो कभी नहीं मिल सकता है। और कहते हैं कि अगर मेहनत करते करते मंजिल ना मिले तो आपको जो मेहनत करने का सुख है वो आपको उसकी अनुभूति कोई नहीं करा सकता है, है ना। तो सुख की अनुभूति करनी है और आपको मंजिल भी पानी है। ये तो कहने की बातें, मंजिल नहीं मिलती है, मंजिल उसी को मिलती है जो अंदर से चाह रखता है। और कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह होती है। तो कभी भी किसी के कहने में, किसी के समझाने में मत आइए। पहले अपने अंदर झांकिए कि आपके अंदर कितनी क्षमता है उस काम को करने के लिए, फिर उसके बाद डिसाइड करिए। हाँ, मोस्टली करिए। हो सकता है कि आपके अंदर इच्छा हो करने की, लेकिन आपके समझ रहे हो कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है। वो आपके अंदर क्षमता है लेकिन आप नहीं चाहते हो। आप कभी मन के मत चलिए। आप अपनी स्थितियों को देख करके, बुद्धि को देख करके और आस पड़ोस को देख करके कि हाँ मेरे से आगे जाना है, मुझे इसके आगे जाना है। कंपटीशन कभी किसी के सुख से मत करिए। कंपटीशन हमेशा अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए करिए, दूसरों के लिए, किसी को पीछे खींचने के लिए नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी आप बुरे काम को करने के लिए तत्पर हो जाएं। तो हमेशा अच्छे की सीख लीजिए, क्योंकि जब अच्छे से सीख लेता है तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा कहलाता है दुनिया में। अगर आप इस कहानी से आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिलता है, दूसरों को शेयर करिए। हो सकता है कि आपके इस शेयर से उसकी ज़िंदगी बन जाए और आप उसके श्रेय के पात्र बन जाए। धन्यवाद। Thank you for watching this video.